गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनंतनाग। तो भाई जी आज तारीख है 20 अक्टूबर 2022 और टाइम हो गया है 8:30 और आज रात भाई देखो आप माहौल देखो बारिश हो रही है पूरी रात से और 3-4 बार इतनी बिजली कड़की ना भाई एक बार तो आगे सीधी बात है ना वैसे लग रहा है जैसे ऊपरी गिर गई बिजली। तो अभी भी लगातार देखो बारिश हो रही है और हम अभी क्लोज कर रहे हैं सारा सामान और यहाँ से डल लेक मात्र 60 किलोमीटर है जो कि मुश्किल से 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में हम कवर कर लेंगे और बोट हाउस हम कोशिश करेंगे कि 1 बजे तक हम चेक इन कर लें। ठीक हमने ब्रेकफास्ट लाइट राइट कर लिया बस यहाँ से पैक करके निकलते हैं। बस इंद्र देवता थोड़ा सा मेहरबान रहे हम पे क्योंकि गीले हो गए ना तो थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है और इस पेट्रोल पंप वाले मालिक का भी भला हो। बिल्कुल बिल्कुल वही बहुत कोऑपरेट किया लोगों ने रात को उन्होंने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हम कहीं बाहर के हैं। मैं भी सजेस्ट करूंगा अगर कश्मीर में कहीं आप ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे कोई होटल आपको नहीं मिल रहा है तो पेट्रोल पंप इज द बेस्ट प्लेस टू स्पेंड ए नाइट। ओके तो यहाँ पे आपको टॉयलेट मिल जाता है बाथरूम मिल जाता है यहाँ तक इन्होंने गर्म पानी भी हमें प्रोवाइड करवाया है। गीजर वगैरह लगा हुआ है फैसिलिटी अच्छी दी है इन्होंने। बिल्कुल सो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पैक करते हैं तो आपको मिलते हैं बाइक के ऊपर। तो भाई जी टाइम हो गया है 9:30 और हमारी देखो मौसम खराब होता है और पूरी बाइक को हमने कवर कर लिया रेन कवर के साथ टैंक बैग सैडल बैग मलकीत भाई ने भी कवर कर लिया और रेन कवर सबने पहन लिए हैं ठीक है ऊपर से नीचे तक। बाकी भाई लोग जैसा कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सैफरन की खेती दिखाऊंगा तो अभी पामपुर के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे भाई बारिश लगी हुई है। रेनकोट हमने पहने हुए हैं हेलमेट मैंने उतार के साइड में रख दिया है और देखो ये जो सारी खेती देख रहे हो ना ये सैफरन की है और देखो पर्पल कलर का एक खिला हुआ है इधर दिखाता हूँ आपको ये देखो भाई मैं भी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ ये सैफरन देखो ब्यूटीफुल इसी से बने हुआ भाई केसर ठीक है। और ये देखो ये देखो ये है ना ये वाला पोर्शन ये है केसर जो डंडी हम डालते हैं दूध में एक ये है ये देखो ये है केसर भाई वो ये है भाई देखो तो मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसकी खेती भाई ठीक है क्योंकि सीजन था इसका तो मैं अपने पास ये एक अपॉर्चुनिटी है इसको देखने की और आपको दिखाने के लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इसको क्यों जाया जाने दें भाई मेरे सैफरन की खेती दिखाने के चक्कर में देखो क्या हो गया बारिश लगी हुई यार 5-5 किलो के जूते हो गए सर सैफरन साथ ही लेके आ गए भाई सैफरन के बीज भी आ गए लग रहा है मेरे को साथ ही पब्लिक देख रही है। ये मेरे हैं बिलाल भाई और इन्होंने ही हमारी जो अपनी बुकिंग है हाउस अपने हाउस बोट में इन्होंने ही अरेंज करवाई है ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू द डल लेक वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लेक यार ठीक है। तो बारिश हो रही है लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही ठीक है। तो अभी हमने जाना है घाट नंबर 11 में हमारी जो हाउस बोट है वहीं पे बुक है तो चलो लेके चलते हैं आपको 11 नंबर घाट में। लगेज अपना सारा आ गया और अपनी बोट भी आ गई है। फोन का रखो भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल फोन गया पानी में तो भाई फिर तो हम भी गए पानी में। लगेज देखो सारी सच पास गए आप अब गए सच पास गया वो मुगल मैदान गया। ओके अभी तो बर्फ इधर सिंथर टॉप में भी पड़ गया है। अच्छा हाउस बोट आ गई है लकी फ्लावर गुलजार अहमद यहाँ के देखने चलने वाले हैं। बिल्कुल अपनी हाउस बोट
शिकारा कल करेंगे, शिकारा राइड भी, ठीक है। कल घुमाएंगे आपको पूरी डल लेक, क्योंकि अभी बारिश लगी है, थोड़ा मौसम क्लियर हो जाए ना तो फिर घुमाएंगे आपको इधर। कल मौसम ठीक रहेगा पक्का, रहना भी चाहिए। पहले सामान निकाल रहे हो, लगेज देखो, लगेज 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18 चार लोग और हमारे चार हेलमेट, हम चार लोग, हमारे चार हेलमेट, 21 हेलमेट की माला तो याद ही होगी आपको। क्या हो गया भाई, ठंड लग रही है देखो तो। तो भाई जी चलो टूर करवाता हूँ आपको अपनी हाउस बोट का, जो हमने इधर रेंट पे लिया एक दिन के लिए। तो ये है हमारा पहला रूम भाई जी, वुडन वर्क, कश्मीर में आपको बहुत मिलता है। देखो टेबल, इस पे नक्काशी देखो, लकड़ी का काम कैसे हो रखा है। ये ड्रेसिंग टेबल, ठीक है, वुडन वर्क किया सारा। हाँ भाई एंजॉय द टी। ऊपर भी देखो, ऐसे दो रूम है। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये भाई दूसरा रूम है, ठीक है, सेम अटैच बाथरूम है, जकूजी लगा हुआ है इसमें। बाथरूम दिखाना भूल गया मैं आपको, बाथरूम काफी अच्छे हैं, जकूजी लगा हुआ है, काफी अच्छे बाथरूम, साफ सुथरे। और इनका जो मैं प्राइस बताऊंगा ना आपको, तो वो आप और हैरान हो जाओगे, ठीक है। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल, और वो उसका क्रेडिट जाता भाई अपने बिलाल भाई को। ये है भाई डाइनिंग एरिया, ठीक है, यहाँ रात को खाना वाना खाएंगे। और ये है ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम भी काफी अच्छा भाई, मेरे को इनका लकड़ी का काम बहुत अच्छा लगता भाई, है ना। छत देखो, अच्छा मुझे लगा शायद वो वैसे डिजाइन किया। ना ना डिजाइन नहीं है, पूरा वुडन वर्क है। हाँ कटिंग करके देखो। और सबसे बढ़िया जो चीज है व्यू भाई, दिखाओ। तो किसी ने बोला है ना कि धरती पे अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ठीक है। वाह, ठंडा ठंडा हवा चल रही है भाई, पहले बारिश हो रही थी, अभी मौसम खुल गया है। जैसे कि बिलाल भाई बोल रहा था कि कल मौसम नहीं होगा खराब, खुल जाएगा, तो अभी खुल गया है मौसम। बादल थोड़े से हट गए हैं, पहले काले हो रखे थे बादल, तो अभी हट गए हैं, तो यहाँ बैठ के टी एंजॉय करने का मजा लग गया है। हमीद भाई है ना, खत्म होगी चाय तो यार, चाय खत्म होगी ना। अच्छा इधर ऊपर शंकराचार्य टेम्पल है, वो देखो अभी दिख नहीं रहा शंकराचार्य, वो ऊपर अभी बादलों के बीच में है भाई, ठीक है। तो शंकराचार्य मंदिर भी इधर ही है, काफी पुराना मंदिर, बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है वो। तो भाई सब लाल चौक आ गए हैं, थोड़ी मार्केट करनी है, मोहन को ठंड बहुत लग रही है, तो एक जैकेट लेके देखेंगे इसको, ताकि इसकी ठंड कम हो। तो देखेंगे अगर कुछ हमें पसंद आ गया तो हम भी ले लेंगे जैकेट, देखते बकरे की खाल, बकरे की खाल की गर्म रहेगी ना अच्छी। बिल्कुल मोहन को दिला दी है एक जैकेट, और हमारा बालू हो गया है रंगीला। मलकी ये भी बताओ पैटर्न, देखो फंकी लुक है थोड़ा, बाकी देखते हैं, अगर कुछ मेरे को मिलता है तो ले लेते हैं, नहीं तो मजे तो मैं ले ही रहा हूँ, ठीक है ना। आज का दिन काफी इवेंटफुल रहा, शुरुआत में बारिश लगी हुई थी जब हम आए अनंतनाग से सिरनर की ओर, और रास्ते में आपको सैफरान के फील्ड भी दिखाए, उसके बाद हम हाउस बोट पे आए, और उसके बाद फिर गए हम शॉपिंग करने में काफ़ी मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। और हाउस बोट में फिर हम आ गए, और हाउस बोट की मैं बताऊँ कि काफ़ी इकोनॉमिकल मिला है हमें, अच्छी हाउस बोट मिली है, साफ सुथरी है। आपको मैंने इसका टूर भी कराया था,
और बताऊँ इसको हमें ये मिली है सिर्फ 2000 रुपये में, ठीक है, 2000 रुपये में हमें ये हाउस बोट मिली है और ये क्रेडिट जाता है हमने अपने बिलाल भाई को, उसी ने हमें प्रोवाइड कराई यही। और कल सुबह हम शिकारा राइड करेंगे, डल झील आपको पूरा घुमाएंगे, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अपने अगले ऐसी न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।